नमस्कार, मैं अनिल सोलंकी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जामिया विद्यालय में, जामिया यूनिवर्सिटी में जो भी कांड हुआ है, जो भी घटना हुई है, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है और सभी के सभी लोग, विपक्ष के लेके, बॉलीवुड से लेके, हर कोई पुलिस को टारगेट कर रहा है और पुलिस को निशाने पर ले रहा है। पर ये इनका निशाना लेना कितना जायज है, कितना सही है, आपको क्या लगता है, लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरे ख्याल से जो भी व्यक्ति पुलिस पे आरोप लगा रहा है, उनको किसी भी हाल में पहले तथ्य जानने की बहुत जरूरत है। रियल में क्या हुआ था, रियल में उस टाइम ऐसी कौन सी घटना घड़ी थी जिस कारण उस यूनिवर्सिटी में पुलिस को जाना पड़ा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को परमिशन नहीं है यूनिवर्सिटी में दाखिल करने की, उसके लिए उनको परमिशन ऑथराइज लेनी पड़ती है वाइस चांसलर से। पर मैं ये कहता हूं, अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो भाई पढ़िए। 46, 47 एंड 40 अमेंडमेंट जो इंडियन आईपीसी की धारा में है, अगर भारत में किसी भी एरिया में, किसी भी स्थल में लॉ ऑर्डर को कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो पुलिस को वहां के कितनी भी बड़े से बड़े आदमी रहने दो, उसकी उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। पुलिस ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। पुलिस ने अगर उस टाइम जितने भी हानि हुई, आगजनी की है, उपद्रव्य के कारण जो भी उपद्रव्य थे, प्रोटेस्ट करने के बहाने जो आए थे, अगर पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती तो आज जो दिल्ली थी वो बहुत जली हुई थी। मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो सही किया है। आपको क्या लगता है, मेरे ख्याल से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आप अपनी अंदर की भड़ास निकालना चाहते तो मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो में हम जरूर मिलेंगे।